नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 25 अगस्त 2022 और आज का दिन है गुरुवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि हम आज क्या क्या न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या उठाया है मुफ्त की रेवड़ी को लेकर सवाल। दूसरा है, हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन के बाद मोदी जी ने क्यों कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है स्वास्थ्य सेवाएं। क्या है सफाई मित्र योजना और कैसे सुधरेगा स्वास्थ्य कर्मियों का जीवन। यूपीएससी की क्या है ओटीआर योजना। एससीओ की बैठक में क्या कहा रक्षा मंत्री जी ने। क्या है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। क्या रही बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, जानेंगे कि क्या होते हैं फ्लोर टेस्ट। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या है बदलाव और कैसे बदले हैं मतदाता पंजीकरण के नियम। भारत और रूस को बीच व्यापार समझौते को लेकर क्या बनी है रुपये व्यवस्था की लेकर क्या बातचीत चल रही है। अमेरिका व चीन के तनाव के लिए के बीच भारत को कैसे मिलेगा व्यापार का लाभ। श्रीलंका ने 300 वस्तुओं पर क्यों लगाया है आयात प्रतिबंध। आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाता केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, कहा जब तक सभी दलों में इस पर रोक को लेकर सहमति नहीं बनती तब तक कुछ नहीं हो सकता। केंद्र ने बताया कोई दल कोर्ट में इस पर रोक का विरोध कर रहा है, ऐसे में सर्वदलीय बैठक में कोई उम्मीद नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुफ्त रेवड़ियों के मामले को महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा बताते हुए व्यापक विचार विमर्श और बहस पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा क्यों नहीं करती। जब तक राजनीतिक दलों में इसको लेकर आम सहमति नहीं बनती कि मुफ्त की रेवड़ियां देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी तब तक इस पर रोक लगाना मुश्किल है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर कहीं ना कहीं एक सर्वदलीय बैठक की बातचीत चल रही है ताकि सारे पक्षों से विचार विमर्श करके किसी एक निर्णय पर पहुंचा जा सके। तो हम देखते हैं कि आगे और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ चौतरफा हमला। तो अब हमारे लिए ये खबर किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है कि सीबीआई क्या होती है, ईडी क्या होती है और सीबीआई ईडी ने और आयकर विभाग ने बिहार झारखंड बंगाल पंजाब दिल्ली हरियाणा और तमिलनाडु में 100 स्थानों पर छापेमारे किए हैं। गुरुग्राम की एक मॉल पर भी छापा मारा। सीबीआई दावा इसमें तेजस्वी यादव ने किया था निवेश। तो इस तरह से हमारे इसलिए इस राजनीतिक व्यवस्था से हटकर कहीं ना कहीं हमको इस तरह से देखना है कि हमारे लिए ये जो ईडी है सीबीआई है इन जो ये हर दिन कहीं ना कहीं चर्चा में बनी रहती है ऐसी एजेंसियाँ, तो इनके बारे में हमें विशेष ध्यान देना और पढ़ना चाहिए। विकसित राष्ट्र बनाने को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी, मोदी जी। कहीं ना कहीं हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद में बुधवार को नवनिर्मित अमृता अस्पताल के उद्घाटन के दौरान कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की बात कही। देश को विकसित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर होना जरूरी है। स्वस्थ देश की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब सभी को यानी गरीबों को जो वंचित है उनको सस्ता और उपयुक्त इलाज मिले। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में मेडिसिटी में बाबा कैंसर अस्पताल व रिसर्च सेंटर की राष्ट्र को भी समर्पित किया है और कहीं ना कहीं जो ग्रेटर फरीदाबाद में एक अमृतानंदई मिशन ट्रस्ट द्वारा निर्मित कहीं ना कहीं ये एक अस्पताल का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया है। केंद्र गांव गांव में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना रही है। इससे कहीं ना कहीं देश के जो गरीब हैं उन लोगों को फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं जो बीमारी होती है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआती स्टेज पर ही पता लगाया जा सकता है। पीएम ने न्यू चंडीगढ़ में कौमी बाबा कैंसर और ग्रेटर फरीदाबाद में
अमृता अस्पताल का किया उद्घाटन। मोदी जी ने कहा ये छह है संकल्प, कहने के जो छह संकल्प थे वो क्या थे, तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देना ताकि बीमारी गंभीर रूप लेने से पहले ही पकड़ में आ जाए, छोटे छोटे गांव में अत्याधुनिक अस्पताल खोलना, तीसरा प्रत्येक जिलों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च के लिए संस्थान खोलना, देश भर में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाना, मरीजों को सस्ती दवाएं और सस्ते उपकरण उपलब्ध कराना, छठा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेली मेडिसिन जैसी सुविधाओं में से मरीजों की मुश्किलों को कम करना। तो इस तरह से मोदी जी ने छह संकल्प की बात कही। अब जान लेते हैं कि यूपीएससी की ओटीआर योजना क्या है। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लाने जा रही है, यानी ओटीआर योजना। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। अब उन्हें भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करते समय हर बार अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी। यूपीएससी किसी भी भावी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को अब ओटीआर प्लेटफॉर्म पर खुद का पंजीकरण करना होगा। तो इस योजना से क्या होगा कि जैसे हमारी बेसिक जानकारी सब जगह मांगते, बेसिक जानकारी क्या, हमारा नाम, जन्म तारीख, पिता का नाम, माता का नाम, किस ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने, आपके स्कूल की जो पढ़ाई है वो कहाँ से की, तो ये ऐसी जानकारी रहती है जो सब जगह सेम ही रहती। तो कहीं ना कहीं जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, तो उसमें इस तरह की जानकारी भर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हम कहीं भी दूसरा फॉर्म भरेंगे ना, तो वहाँ हमें एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन को नंबर को डालने पर हमारी जो बेसिक जानकारी ना ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो इससे जो गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमें जो फॉर्म भरेंगे, हम जो नया फॉर्म, तो उसमें हमें कम जानकारी भरनी पड़ेगी ताकि हम संतुष्टि से उस फॉर्म को भर सके, जिससे गलतियों की जो गुंजाइश है उसको कम किया जा सके। अब जान लेते हैं कि मित्र सफाई योजना क्या है। 2 साल के अंदर सभी शहर होंगे सफाई मित्र सुरक्षित। स्वच्छ भारत मिशन 2.0, स्वच्छता का होगा मशीनीकरण, शहरी निकाय नमस्ते को तैयार। योजना लागू होने से सफाई क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। तो कहीं ना कहीं जो देश के सभी शहरों की जो सीवर लाइनों के जो मेन हॉल, उस स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के दौरान मशीन हॉल में बदले जाएंगे। इससे क्या होगा कि शहरों में झाड़ू लगाने, कूड़ा उठाने का नहीं, बल्कि जो सीवर लाइनों में घुसकर सफाई करने का काम करने वाले जो कर्मचारियों की जगह अब ये मशीन इस तरह के काम करेंगी, जिससे कहीं के जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को भी कहीं पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। कहीं ना कहीं मजबूत वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएंगे। कहीं ना कहीं जो सफाई मित्र योजना से कहीं ना कहीं एक तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनके जो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इस तरह से सीवर की नालियों में अंदर जाकर साफ सफाई करना, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक तरह से हम उनको जो सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। इस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, यानी नमस्ते को लागू करने पर बात चल रही है। कहीं कि नमस्ते योजना लागू होने से सफाई क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत राहत होने जा रही है। कहीं कि सफाई, साफ सफाई संबंधी कार्यों की जो पीढ़ीगत व्यवस्था को तोड़ते हुए पेशागत सुरक्षा बढ़ाने और कार्य क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो हमें पता है कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें जो सफाई कर्मी है वो नाली यानी मेन हॉल के अंदर जाकर स्वयं सफाई करते थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सामाजिक संदेश और दूसरा है कि छुआछूत जैसी समस्या भी खड़ी होती थी, लोग इन्हें नीची नजरों से देखते थे। तो कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है उसे किसके थ्रू किया जाएगा, तो मशीनें के थ्रू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, दूसरा है कि जो हम समाज की सोच है उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से बदल पाएंगे, दूसरा है इनको भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक आत्मसम्मान यानी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। अब चलते हैं अगली खबर। आतंकवाद पर रखें एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल।
चीन और पाक के रक्षा मंत्रियों के समक्ष राजनाथ ने की दो टूक बात। एशियो के रक्षा मंत्रियों की बैठक अगले माह होगी, शिखर बैठक। तो कहीं ना कहीं जो शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान दोनों को आतंकवाद तो भारत की चिंताओं से अवगत कराया। अब उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल आतंकवादी गतियों के लिए नहीं होना चाहिए, कहने के एसईओ की सभी देशों को आतंकवाद के मुद्दे पर एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान के दो खूंखार आतंकी को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की भारत की जो पहल पर उस पर चीन ने कहीं ना कहीं रोक लगा दी थी। ये बैठक के कहीं कहीं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हो रही है। एक तरह से कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी ने कहा जो आतंकवाद है वो वैश्विक समस्या है और कहीं ना कहीं इससे शांति और सुरक्षा को बड़ी चुनौती है और इस समस्या से निपटने के लिए हमें सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। और जब तक ये चुनौती रहेगी तो कहीं ना कहीं शांति और सुरक्षा और स्थिरता बनाना मुश्किल है। एशियो के सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त समझौता विकसित करनी चाहिए। तो एक बार हम एशियो के बारे में जान लेते हैं। एशियो में 8 कंट्रीज है, तो पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो पहली है चाइना हो गई, फिर भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, कहीं ना कहीं किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, और किर्गिस्तान के बाद कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, और तो इस तरह से लगभग 8 कंट्री इसमें शामिल है। अगर एक बार हम मैप को देखते हैं, ये रशिया हो गया, ये चाइना हो गया, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, कहने के तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में शामिल है? तो कहने के तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है और एक मंगोलिया भी शामिल नहीं है। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो एशियो है वो क्या है। तो शंघाई सहयोग संगठन 15 जून 2001 को शंघाई में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। एशियो में वर्तमान में 8 सदस्य राज्य चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। 4 पर्यवेक्षक राज्य शामिल होने में अपनी रुचि रखते हैं। पूर्ण सदस्यता अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया और 6 डायलॉग पार्टनर्स आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। जो भी कहीं ना कहीं जो ईरान है इसको भी कहीं ना कहीं एशियो मेंबर बनाने की बातचीत चल रही है। 2021 में एक पूर्ण सदस्य के रूप में एशियो में ईरान के परिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 2001 में स्थापना के बाद से एशियो ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद, धार्मिक अतिवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है। आज तक एशियो की प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय विकास भी शामिल है। एशियो 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में परिवेक्षक रहा है। तो इस तरह से ये हमारी एशियो के बारे में। तो ये एशियो के मेंबर्स कंट्री हो गई। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वाधिकारी कहने के संघाई पांच, यानी संघाई पांच में कौन थे? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, जो 1996 में संघाई फाइव के नाम से स्थापना की गई थी संघाई में। फिर 2001 में इसमें कोई नहीं, उज्बेकिस्तान शामिल होने से ये संघाई 6 में बदल गया और 2017-18 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में, जिसका पूर्वाधिकारी क्या था? तो संघाई पांच समूह था, तो कहने के 1996 में स्थापित हुआ था। कि किस प्रकार का संगठन है? तो एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कहने म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। इसकी सदस्यता में कितने? तो 8 मेंबर्स से हमने अभी देखा है। इसकी आधिकारिक भाषा चाइनीज और रशियन है। तो इस तरह से हमारे लिए इस तरह से महत्वपूर्ण होती है खबर। अब चलते हैं हम अगली खबर पर। फर्टिलाइजर चोरी को रोकने
रोकने को एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू। तो आने वाली रबी सीजन में देश भर में एक जैसे फर्टिलाइजर यानी खाद मिलेगी और यह कंपनियों की बजाय भारत ब्रांड ब्रांड के नाम से जानी जाएगी। केंद्र ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू कर दी है। इसके तहत यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे। फर्टिलाइजर की बोरियों पर दर्ज लोगों से स्पष्ट होगा कि यह खाद केंद्रीय सब्सिडी वाला है और इससे फर्टिलाइजर चोरी की संभावनाओं को घटाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना और इससे कहीं ना कहीं कालाबाजारी को रोकने में भी मदद मिलेगी। तो हमें पता है कि जब सीजन शुरू होती है फसलों की, तो कहीं ना कहीं उस समय जो खाद की किल्लत आने लग जाती है, लोग कालाबाजारी करने लग जाते हैं, उसके दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे किसानों का शोषण होता है। तो उसी को देखते हुए सरकार ने जो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू की है। तो अब चलते हैं हमारी अगली खबर। डाटा सुरक्षा व गोपनीयता के मुद्दे पर IRCTC के अफसर तलब। संसदीय समिति ने कल पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा। किसको? IRCTC के अधिकारियों को। तो डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में जानकारी मांगी। किससे? IRCTC के अधिकारियों से। तो कहीं ना कहीं नागरिकों के डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित संसदीय स्थायी समिति के समक्ष पेश होंगे। कहीं ना कहीं बता दें कि जो हाल ही में IRCTC ने 1 करोड़ के आर्थिक लाभ के लिए यात्रियों के निजी डाटा को मोनेटाइज करने का फैसला लिया था। मोनेटाइज यानी लोगों के डाटा को देकर या उनका इस्तेमाल करके एक तरह से पैसे अर्जित करना या पैसे कमाना, उसको बोलते हैं मोनेटाइज। तो इसी पर लेकर इन अधिकारियों को एक तरह से तलब किया है कि ये योजना क्या है और इससे डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर से प्रश्न किए जाएंगे। एक मंच पर आए देश के विपक्षी दल 2024 में बदल जाएगी केंद्र की सत्ता। जैसा कि हमें पता है कि हाल ही में जो बिहार में एक तरह से राजनीतिक उठापटक चली है, तो उसी को देखते हुए हाल ही में जो विश्वास मत प्रस्ताव रखा गया था बिहार की असेंबली में, तो कहीं ना कहीं उसी पर जवाब देते हुए इन्होंने जो नीतीश कुमार जी है इन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए ताकि 2024 में लोकसभा चुनाव में केंद्र को सत्ता से बेदखल किया जा सके। तो इसमें हम जान लेते हैं कि जो फ्लोर टेस्ट वो क्या होता है। तो फ्लोर टेस्ट के तहत क्या होता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो असेंबली होती है यानी विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं राज्यपाल की निगरानी में होता है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी बहुमत साबित कर पाती है तो उसे कहीं ना कहीं सत्ता सौंप दी जाती है, यानी उसके जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें मतलब मंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अगर फ्लोर टेस्ट सफल नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं दूसरी जो बड़ी पार्टी होती है उसे एक अवसर दिया जाता है कि वो अपना बहुमत साबित करे। तो इस तरह से जो अभी हाल ही में जो बिहार की विधानसभा में कहीं ना कहीं जो मत विभाजन हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं जो इस नीतीश कुमार जी के पक्ष में 160 वोट पड़े और कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल थी बीजेपी उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। तो अब चलते हैं हमारी अगली खबर। बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य। जैसा कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं जो बायोमेट्रिक मशीन के जरिए एक उपस्थिति दर्ज करवाकर कहीं ना कहीं जो हम शिक्षक होते हैं चाहे डॉक्टर्स होते हैं उनकी कहीं ना कहीं जहाँ उनका कर्तव्य या काम है उनकी वहाँ निगरानी देख सकते हैं कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं उनके काम को छोड़कर वो दूसरे काम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के साथ यूं बदल गए मतदाता पंजीकरण के भी नियम। तो हमें पता है कि जैसे 2019 में जो जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से के हटने के बाद कहीं कि जम्मू कश्मीर में एक तरह से कहीं बदलाव आए हैं, तो उसी में एक बताया गया है कि जो अनुच्छेद 370 के बाद अन्य राज्यों की तरह ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए एक
की मतदाता सूची होगी, और इससे पहले दोनों के लिए अलग अलग मतदाता सूची होती। कब? अनुच्छेद जब 2019 से पहले, जब अनुच्छेद 370 नहीं हटा था। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों की मौजूदा स्थिति क्या है? मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले नागरिक अपने मतदाता सूची में पंजीकरण करवा सकते हैं। कब होगा विधानसभा का चुनाव? तो कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अंतिम विधानसभा 2014 में हुआ था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन से पूर्व परिसीमन किया जाना था, और परिसीमन प्रक्रिया इस वर्ष मई में संपन्न हुई है, और अब मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण जारी है। अब जान लेते हैं कि जो एनपीआर यानी अस्थायी निवासी किसे कहा जाता है। तो अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर में रह रहे अन्य राज्यों के नागरिक लोकसभा चुनाव में ही मतदान कर सकते थे। ऐसे मतदाताओं को एनपीआर यानी अस्थायी निवासी कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में प्रदेश में रह रहे अन्य राज्य के नागरिक भी मतदान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद यहाँ भी देश के अन्य राज्यों की तरफ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 लागू होगा। देश के 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक जहां भी वह रह रहा हो खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत करवा सकते हैं। तब जान लेते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में चुनाव से संबंधित सभी प्रावधान नहीं थे, बल्कि इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए सीटें के आवंटन की तथा चुनाव क्षेत्रों की सीमांकन की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मतदाता की अहर्ता तथा मतदाता सूचियों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया था। संसद के दोनों सदनों तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव इन सदनों के लिए अहर्ता एवं अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव संबंधी प्रावधान तथा चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय, ये सब बाद में अपनाए जाने वाले उपायों पर छोड़ दिए गए। इसलिए इन बिंदुओं पर प्रावधान करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियमित किया गया था। तो मोटे तौर पर यह अधिनियम निम्नलिखित चुनाव विषयों से संबंधित है। तो देख लेते हो कौन से विषय हैं। तो संसद तथा राज्य विधायिका के लिए अहर्ता एवं अयोग्यताएं, आम चुनाव की अधिसूचना, चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी, राजनीतिक दलों का निबंधन, चुनाव संचालन, मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार के लिए कुछ सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति, चुनाव संबंधी विवाद, भ्रष्ट आचरण एवं चुनाव अपराध से संबंधित नियम, सदस्यों की अयोग्यता संबंधित जांच से संबंधित निर्वाचन आयोग की शक्तियां, उपचुनाव तथा रिक्तियां भरने की समय सीमा और चुनाव से जुड़े अन्य नए प्रावधान दीवानी न्यायालय को छोड़कर। तो कहने का इस तरह से जोड़े गए और चुनाव कराने में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए। तो उम्मीदवार का नामांकन, उम्मीदवार और उनके एजेंट, चुनाव की सामान्य प्रक्रिया, मतदान, मतगणना, अनेक स्थानों पर चुनाव, चुनाव परिणामों का प्रकाशन और मनोनयन, संपत्तियां एवं देनदारियों की घोषणा और चुनाव खर्च। तो इस तरह से 1951 के अधिनियम में ये चीजें शामिल की गई। तो एक बार हम इस बिजनेस में इसको देखेंगे कि यहाँ पे अच्छे से क्लियर नजर नहीं आ रहा है। जो पहली खबर थी, रूस ने रुपये में कारोबार करने को बढ़ावा देने पर विचार, आरबीआई की मंजूरी के बाद सरकार का अगला कदम। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी और रूस के जो राष्ट्रपति, तो कहीं नहीं भारत और रूस के बीच कहीं के जो द्विपक्षीय कारोबार को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की मुद्राओं में लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार उन कारोबारी को प्रोत्साहन दे रही है जो रूस के साथ निर्यात में कहीं ना कहीं एक तरह से रुपये का इस्तेमाल करेंगे। आरबीआई ने एक बड़ा फैसला करते हुए घरेलू आयातकों और निर्यातकों को भारतीय रुपये में कारोबार करने की इजाजत दे दी है। रुपये में आयात निर्यात को मिली आरबीआई की मंजूरी। तो कहीं ना कहीं
अमेरिका और यूरोपियन प्रतिबंध का सामना कर रहे रूस के लिए तो काफी बड़ा प्रोत्साहन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉलर का विकल्प मिल जाएगा व्यापार करने के लिए। रूस ने यह भी कहा कि भारत की भुगतान व्यवस्था रुपए और रूस की भुगतान व्यवस्था मीर के बीच इस तरह का समन्वय यानी सामंजस्य बनाने की कोशिश है। अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो इसी को देखते कहीं ना कहीं जो स्विफ्ट जो सिस्टम है उसका एक तरह से कहीं ना विकल्प ढूंढा जा रहा है। तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का काट खोजने में मिलेगी इससे सहायता। कहीं ना कहीं जो रूस के साथ वो डॉलर और यूरो के बजाय एशियाई मुद्राओं में करेंगे व्यापार, तो कहीं ना कहीं जो एशिया के साथ मतलब एशियन अदर कंट्रीज के साथ कहीं ना कहीं रूस का व्यापार भी बढ़ेगा। और दूसरा इससे हमें भी फायदा है, क्योंकि हमें एक तरह से डॉलर का विकल्प मिल जाएगा कहीं ना कहीं जो हमारे फॉरेन रिजर्व में, जिससे डॉलर का जो रिजर्व है वो बचा रहेगा और हम रुपए का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक रुपये को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में भी हम आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। 2022 के बाद से भारत ने रूस से काफी ज्यादा क्रूड खरीदना शुरू किया है, जिसका असर कहीं ना कहीं जो बायलेटरल ट्रेड पर भी पड़ा है। और कहीं ना कहीं अगर अभी हम डॉलर का इस्तेमाल करते हैं तो डॉलर का ज्यादातर इस्तेमाल हमें क्रूड खरीदने में ही इस्तेमाल हो जाती है, बाकी हम दूसरी चीजों पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हम डॉलर का इस्तेमाल अन्य चीजों पर कर पाएंगे। अब देखते हैं अगली खबर। तो ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव को लेकर इन क्षेत्रों को मिल सकता है भारत, मतलब किन क्षेत्रों को भारत को मिल सकता है? तो अब ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है, इसका फायदा यानी आर्थिक फायदा भारत को मिल सकता है। कहीं ना कहीं भू राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए चीन में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियां तुर्की, वियतनाम और भारत जैसे देशों में शिफ्ट होने का मन बना रही है। ताइवान में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियां भी दक्षिण एशिया के देशों में शिफ्ट हो सकती हैं। कहीं ना कहीं जो एप्पल फोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन और विस्टर्न अब भारत में एप्पल फोन के नवीनतम वर्जन को बनाने की तैयारी में लगी हुई है। भारत एप्पल फोन बनाने वाली फॉक्सकॉन व विस्टर्न की यूनिट धीरे धीरे भारत में अधिक से अधिक एप्पल फोन लाएगी और यहाँ अपना उत्पादन शुरू करेगी, क्योंकि अभी 90% उत्पादन चीन में होता है उसका। इससे कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन अभी जो चीन पर निर्भर है, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक तरह से भारत केंद्रित यानी भारत में शिफ्ट करने के में भी मदद मिलेगी। चीन में कोरोना को लेकर सख्त नीति अपनाने और ताइवान को लेकर अमेरिका से तनातनी से कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल है, लेदर है, जैसे कई सेक्टर में अमेरिकी कंपनियां भारत को ऑर्डर देना पसंद कर रही है। कहीं ना कहीं कहना चिंता जाहिर की है कंपनियों ने कि ताइवान से अगर चीन का युद्ध होता है पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, इसलिए वे चीन से भी शिफ्ट करके नए स्थानों की खोज कर रही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। तो राफेल को चुनौती देने को तैयार सुपर हनर, तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस से हमने कहीं ना कहीं जो राफेल खरीदा था, अब कहीं ना कहीं अमेरिका के जो बॉइंग के F/A-18 यानी सुपर हंड्रेड के बीच टक्कर है। तो कहीं ना कहीं इनको जो भारत खरीदने की तैयारी, तो किसके थ्रू? मेक इन इंडिया के तहत इनकी खरीदारी की जाएगी। ये सुपर हंड्रेड हॉर्नेट, ये राफेल यानी ये फ्रांस का और ये अमेरिका की कंपनी ने बनाया है, तो इनके बीच में एक विशेषता दे रही थी कि इनकी रफ्तार क्या है, इनकी विशेषता क्या है। तो सुपर हॉर्नेट कि जो स्पीड है गति वो 1.8 मैक यानी 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी राफेल की 2 मैक यानी 2,479 किलोमीटर प्रति घंटा है। IAEA के विशेषज्ञ जल्दी करेंगे जापोरिजिया का दौरा। हमें पता है कि रूस यूक्रेन के हमले में कहीं ना कहीं जो यूक्रेन का जो जापोरिजिया परमाणु संयंत्र है, तो उसके आसपास गोलाबारी हुई है और रॉकेट के हमले हुए, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पहले चेर्नोबिल में जो परमाणु दुर्घटना हुई थी कहीं वापस उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो प्रमुख है राफाल ग्रोसी ने कहीं ना कहीं जो इस परमाणु संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां पर सुरक्षा के उपाय देखेंगे, ताकि इससे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना न बनाया जा सके। श्रीलंका ने 300 वस्तुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध, जैसा कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं जो श्रीलंका है नकदी के संकट से जूझ रहा है और श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी है, इसी के चलते उसने कहीं ना कहीं चॉकलेट, परफ्यूम, शैम्पू, मेकअप
एक तरह से जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उन पर कहीं ना कहीं आयात प्रतिबंध लगा दिए हैं। कहीं ना कहीं 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका के लिए यह सबसे खराब आर्थिक दौर का समय है। आयात में निर्यात रेगुलेशन के तहत कहीं ना कहीं इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच खाद्य पदार्थ, ईंधन और दवाओं समेत अन्य जरूरी चीजों की कमी के चलते इस तरह के कदम उठाए गए हैं। वाइजर 1 सौरमंडल के बाहर जाने वाला पहला मानव निर्मित यान। तो अमेरिकी अंतरिक्ष यान वाइजर 1 ने 2012 में आज ही सौरमंडल के आखिरी छोर हेलियोस्फीयर के पार किया था। वह सौरमंडल के बाहर यानी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान था। नासा ने इसे 1977 में लॉन्च किया था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे मैथ्यू वेब। तभी देख लेंगे हम कि जो इंग्लैंड के डोवर और फ्रांस के कलाइस के बीच में जो इंग्लिश चैनल है वो किनको जोड़ता है, किनको अलग करता है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अभी देखेंगे। नियोगर फॉल्स तो कहने के अमेरिका में है। तो अब चलते हैं हम इंग्लिश चैनल को देख लेते हैं एक बार। तो ये यूरोप का मैप है और ये फ्रांस और ये लंदन और ये इन दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल, जिसको पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मैथ्यू। और जो लोकेशन बताई जा रही है ना वो ये रही, डोवर और एक केले हो गया, ये फ्रांस की सिटी, ये डोवर स्ट्रेट हो गए बीच में, जिसको पार करके कहने के ही मैथ्यू ने रिकॉर्ड बनाया था। इन दोनों स्थानों डोवर को जोड़ रही एक, तो ये केले ये वाला स्थान हो गया और एक और एक केले और दूसरा हो गया ये डोवर यूके। और इन दो जल निकाय को जोड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ऊपर हो गया उत्तरी सागर और नीचे हो गया कैल्टिक सागर और इधर बिस्के की खाड़ी हो गई। और किन को अलग करे तो कहीं ना कहीं यूके को और फ्रांस को अलग कर रही है। और यही ना कहीं लंदन के पास से टेम्स नदी होकर गुजर रही है, जो कहीं ना कहीं नॉर्थ सी में जाकर गिर रही है। एक बार हम सोलर सिस्टम को देख लेते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा हो गया, मरक्यूरी, फिर वीनस, फिर पृथ्वी, फिर मार्स, फिर इस बीच में आती है एस्टेरॉयड की बेल्ट, छोटे छोटे शुक्र ग्रह की पट्टी आ जाती है बिल्कुल। फिर उसके बाद आते हैं जुपिटर, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, फिर आती है कुपियर बेल्ट और फिर आती है ऑरोट क्लाउड, यानी कहीं के सौरमंडल के बाहर ये वाले क्षेत्र। तो इस तरह से हमको इसको देखना था कि कई प्रीलिम्स से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं कि जुपिटर के बाद कौन सा ग्रह आता है, तो शनि, जुपिटर से पहले क्या आता है, तो मार्स आता है, पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है, तो लगभग वीनस है, सबसे गर्म वाला कौन सा ग्रह रहता है, तो कहीं ना कहीं वीनस रहता है। क्यों रहता है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो इस तरह से हमको इसको देखना है कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किन ग्रहों के बीच में, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, जो कुपियर बेल्ट है वो कहाँ आ गई, किसके बाद आ गई, तो नेपच्यून के बाद आ गई। सबसे ज्यादा जो घूमने में मतलब जो परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, तो नेपच्यून लेता है। जो वलय जो एक तरह से जो बेल्ट मतलब क्लाउड की एक तरह से रिंग फॉर्मेट हो रही है, किस ग्रह पे हो रही है, तो कहीं शनि पर हो रही है। तो इस तरह से हमको देखना, इनके बढ़ते क्रम में भी पूछा जा सकता है, इनका क्रम पूछा जा सकता है। पहले प्लेटो भी ग्रह था, तो उसको कहीं ना कहीं 2002 में या 6 में शायद हटा दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से, कहीं ना कहीं वो अपनी जो परिक्रमा थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। और ये कहीं ना कहीं एस्टेरॉयड ऐसे आते हैं और आते आते हैं यहाँ से, कहीं ना कहीं जो हमको चमकते हुए दिखाई देते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से वो वायुमंडल में चलने लग जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे, इस खबर को।
तो हमारा जो विश्लेषण है वो यही समाप्त करते हैं। आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो धन्यवाद आपका।